दोस्तों, अगर आप कहीं से भी या किसी भी इंस्टीट्यूट से अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे हो या फिर आप अकाउंट्स के फील्ड में बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आपका फाइनेंशियल ईयर और एक असेसमेंट ईयर, इन दो शब्द का वास्ता आपका जरूर पड़ेगा। तो आपको अकाउंट्स के फील्ड में अपना कैरियर और ज़्यादा बिल्ड करना चाहते हो तो आपको इन दोनों शब्द का मतलब पहले पता होना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको इन दोनों शब्द का मतलब पहले से ऑलरेडी पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भी अगर आप किसी कंपनी में एज ए इंटरव्यू देने जाते हो अकाउंटेंट की जॉब के लिए, तो वहां पर अगर आपसे ये बात पूछ ली जाए भी फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर की जो डेट है वो कब से स्टार्ट होती है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, या फिर आपको पर्टिकुलर कोई इस तरीके से एक डेट दी जाए और उस डेट के आधार पर आपसे पूछा जाए भी इस डेट के आधार पर फाइनेंशियल ईयर कौन सा सिलेक्ट करोगे और इसका असेसमेंट ईयर क्या रहने वाला है। तो अगर हम बात करें किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर के अंदर हम उसका फाइनेंशियल ईयर किस प्रकार से सिलेक्ट करते हैं और असेसमेंट हम किस प्रकार से सिलेक्ट करते हैं। तो वीडियो काफी एक इंपॉर्टेंट है, विशेषकर फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के लिए। तो वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपका इन दोनों शब्द का अर्थ जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका किसी भी कंपनी में अकाउंटिंग वर्क करने का है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको सिंपल भाषा में समझ लेते हैं भी फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का मतलब। तो दोस्तों देखो, अब होता क्या है, या अगर हम बात करें इंग्लिश ईयर की, तो अब हमारा क्या होता है भी जो हमारा इंग्लिश ईयर तो वो कब से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से, यानी कि 1 जनवरी से, और ये कब तक चलेगा, 31 दिसंबर तक, और उसके बाद में फिर 1 जनवरी आ जाएगा, नया साल स्टार्ट हो जाएगा और 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। तो ये है हमारा कैलेंडर ईयर। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो अब इंडिया के अंदर जो भी हमारा अकाउंट से रिलेटेड जो काम होता है, अब हर काम को समेटने के लिए 1 साल लगता है। जैसा कि हमने कोई भी काम 1 जनवरी के अंदर किया, फिर उसको हम 31 दिसंबर तक एंड कर लेते हैं, फिर होते भी नए साल से फिर नया स्टार्ट करेंगे, 31 दिसंबर को खत्म कर लेते हैं। तो जो अकाउंट्स का जो पीरियड होता है, यानी कि जो हमारा अकाउंट्स के लिए जो हमारा नया सेशन हमें शुरू करना होता है, वो होता है 1 अप्रैल को, और ये कब तक चलता है, 31 मार्च तक। तो यानी कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर है वो आपका हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की फाइनेंशियल ईयर की, तो आज की अगर हम डेट बात करें तो डेट आज होगी 11 फरवरी 2023 की, ठीक है। अगर हम इस डेट के आधार पर इसका फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करें, तो अब हमारा एंड आपको देखना कब होगा, 31 मार्च को, लेकिन अभी मंथ कौन सा चल रहा है, फरवरी का। तो अब हम इसको कह सकते हैं भी ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है ये 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 2022 को, और ये कब तक चलेगा, 31 मार्च 2023 तक। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा आज की एक डेट की हम बात करें तो। इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, यानी कि 31 मार्च 2023 तक का। अगर हम इसकी बात करें शॉर्टकट में फाइनेंशियल ईयर को, तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर बनने वाला है वो हमारा बनेगा 2022-23। अब आप बहुत जगह देखा होगा भी FY भी लिखा होता है, FY का भी मतलब फाइनेंशियल ईयर ही होता है, यानी कि अब 22-23 का मतलब क्या हो गया भी जो आपने अकाउंटिंग पीरियड सेलेक्ट किया है वो आपने 2022 में तो शुरू किया था और 2023 के अंदर इसका एंड होगा। अब उसके बाद में बात करें भी अब 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में हमारा वापिस आ जाएगा 1 अप्रैल 2023, और वो कब तक चलेगा, 31 मार्च 2024 तक। अगर हम इसकी फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, 2023-24, यानी कि 23 के अंदर स्टार्ट हो रहा है और 24 के अंदर इसका एंडिंग हो रही है। तो ये तो था हमारा फाइनेंशियल ईयर, और सेम इसी चीज को हम बोलते हैं करंट ईयर या फिर करंट पीरियड, एक ही बात हम कह सकते हैं दोनों को, फाइनेंशियल ईयर भी मतलब और करंट पीरियड दोनों का सेम मतलब है। अब बात आएगी
असेसमेंट ईयर की। तो हम असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं, तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करें, यानी कि जो अभी हमारा प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, तो अब इसका जो असेसमेंट ईयर आपका माना जाएगा वो माना जाएगा 2023-24 का, यानी कि जस्ट नेक्स्ट ईयर इसका। अब बात आएगी भी फाइनेंशियल ईयर को 2022-23 तो 24 का मतलब क्या होता है, तो हम इसको समझते हैं फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022-23 और ये इसका असेसमेंट ईयर माना जाएगा हमारा 2023। इसका मतलब हो गया भी हमने जो भी अकाउंट से रिलेटेड इस 12 महीने के अंदर जो हमने काम किया है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2023 तक का, यानी कि इन 12 महीने के अंदर जो भी हमने अकाउंटिंग से रिलेटेड एंट्री पोस्ट करी है किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किसी भी बिजनेस की, अब उसका जो निर्धारण है यानी कि उसका जो भी टैक्स है, उसका जो भी फैसला है, यानी कि आपने जो काम किया वो सही है गलत है, वो कब फैसला होगा उसका, फाइनल असेसमेंट ईयर 2023 के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि हमारा इसी साल के अंदर हमने काम किया और इसी साल के अंदर इसी साल का टैक्स भर देंगे, टैक्स आपका 31 मार्च 2023 के बाद ही भरा जाएगा कितना टैक्स आपका हुआ है, क्योंकि 31 मार्च 2023 तक तो हमारा वर्किंग चलेगी 1 अप्रैल 2022 से लेके इस 12 महीने के अंदर जो भी हमने काम किया है उसी काम के आधार पे उसका टैक्स और उसके काम का फैसला उसी काम का जो निर्धारण है वो अगले साल में माना जाएगा। अब अगला साल कब आ जाएगा, यानी कि 31 मार्च 2023 को तो खत्म हो गया, अब नया साल कब से स्टार्ट होगा, फिर 1-23 से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो 22-23 का असेसमेंट ईयर है जो 23 हो जाएगा, यानी कि इसका अगले साल के अंदर इसका निर्धारण होगा। अगर हम बात करें कैलेंडर वर्ष की, जैसे हमने कह दिया हमने कोई भी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हमने काम किया है, अब मान लीजिए इसका फैसला आएगा 1 जनवरी 2024 को, तो हम इसको क्या कहेंगे भी हमने 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का जो काम किया उसका फैसला अगली 1 जनवरी 2024 को आएगा, चाहे वो 1 जनवरी को आए चाहे वो अगली 31 दिसंबर 2024 को आए, आएगा नेक्स्ट ईयर के अंदर ही, ठीक है ना। तो सेम वही प्रोसेस हो जाएगा। अब आपका कोई इसके अंदर जो स्टार्टिंग डेट है आपकी फाइनेंशियल ईयर की वो हमेशा ध्यान में रखनी है, 1 अप्रैल होती है, 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। अगर हम बात करें भी आपको पूछे भी असेसमेंट ईयर की स्टार्टिंग डेट कब से होती है, तो असेसमेंट ईयर की जो स्टार्टिंग डेट है, तो अब आपका जैसा कि अभी हमने इसको सिलेक्ट किया 1 अप्रैल 2022, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर, अब इसका जो असेसमेंट ईयर कौन सा रह जाएगा 23। अब आपका जो 23 की जो डेट है, अब इसकी स्टार्टिंग डेट अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो आपकी आ जाएगी भी हम कह सकते हैं 1 अप्रैल 2023 की। अब इसका असेसमेंट ईयर की स्टार्टिंग डेट अगर आपसे पूछ ले तो ये कहते भी हमारा 1 अप्रैल 2023 से लेके और ये 31 मार्च 2024 तक, ये हमारा पूरा का पूरा साल असेसमेंट ईयर का ही माना जाएगा। स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल 2023 की, किसकी, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की, 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 तक के फाइनेंशियल ईयर की डेट है वो। स्टार्टिंग डेट पहली बार तो होती नहीं है, ठीक है, अगर पूछ भी ले तो कह रहे भी 1 अप्रैल 2023 रहेगी वो इसकी असेसमेंट ईयर की डेट की शुरुआत हो चुकी है और वो 31 मार्च 2024 तक चलेगी। तो ये तो था हमारा फाइनेंशियल ईयर का मतलब और असेसमेंट ईयर का मतलब। अगर हम बात करें किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर आप टेली सॉफ्टवेयर को यूज करते हो तो आपने देखा होगा यहाँ पर एक ऑप्शन आता है करंट पीरियड का। अभी ये करंट पीरियड का क्या करें भी आपका 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, यानी कि अब ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, आप इस पीरियड की अकाउंटिंग अभी इस कंपनी के अंदर मेंटेन कर रहे हो, तो अब आपका करंट पीरियड या फिर आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाए फाइनेंशियल ईयर, तो दोनों का मतलब एक ही है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और करंट पीरियड भी 22-23। अगर असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट ईयर इसका क्या होने वाला है 2023-24 का। अगर हम बात करें बिजी सॉफ्टवेयर की, तो हर सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग आता है, जैसे इसके अंदर अगर बात करें यहाँ पर लिखा हुआ है FY, यानी कि FY का मतलब भी फाइनेंशियल ईयर करंट पीरियड जो हमारा अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, यानी कि 22-23 की अकाउंटिंग आप भी इस कंपनी के अंदर इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप है जो अभी कर रहे हो। तो अब बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर के साथ साथ में असेसमेंट ईयर भी दिखाएंगे 2023-24 का, तो उसके आगे लिखा जरूर होगा AY या फिर असेसमेंट ईयर। तो किसी भी कंपनी यानी कि किसी भी पीरियड का जो साल होता है उसका जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो फाइनेंशियल ईयर और उसका जस्ट अगला जो साल है वो उसका असेसमेंट ईयर है। अगर हम लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था भी अगर आपको कोई इसी डेट के आधार पे पूछे भी 25-2-2023 के आधार पे आप बताओ आपका फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा, तो हमें पता है भी 2023
लेकिन खत्म होता है हमेशा तीसरे महीने के अंदर, यानी कि मार्च महीने के अंदर। लेकिन अब ये जो डेट है ये मार्च महीने से पहले की, यानी कि फरवरी की डेट है, तो अब जाहिर सी बात है इसका जो फाइनेंशियल ईयर हमारा रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, 2022-23। अगर पूरी डेट अगर आपको देखनी है तो हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, ये है इसका फाइनेंशियल ईयर। अगर असेसमेंट ईयर की बात करें तो 2023-24 इसका असेसमेंट ईयर रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को आप जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर इसको शेयर भी जरूर करना।